मैम आपने मैंगोज कोरियर करवाए थे ना? हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम वो मैंगोज एक्चुअली ना रास्ते में हमारे वर्कर्स खा गए। मैम वो एक्चुअली उनको ना उसकी खुशबू अच्छी आ रही थी, फिर एक बंदे ने खाए, वो स्वाद इतने ने सारे खा गए। हेलो ओएमजी फैमिली, स्वागत है आपका ओएमजी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। आज ना सुबह मुक्ति लगी हुई है करने वीडियो को एडिट, तो मैंने सोचा पापा और डैडी के लिए ब्रेकफास्ट जो है ना वो बनाता हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया और इजी ऑप्शन जो थी वो थी ब्रेड ऑमलेट की, तो ये मैंने बना दिए हुए। डैडी रेडी है खाने के लिए, तो डैडी जी हियर यू गो। थैंक यू वेरी मच। और खाओगे? It must be very delicious, I think. आप कहना क्या चाह रहे हो कि आपकी जो बहू है वो स्वाद खाना नहीं बनाती? But more than that, my grandson. हाय 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 हाय। Very nice. Thank you. तो आप जाके मेरी वीडियो एडिट हुई है, और सच्ची बताऊं ओंकार, मैं जब सुबह उठी ना मुझे पता क्या सपना आ रहा था कि तू वीडियो एडिट कर रही है। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैंने पहले वीडियो डाटा ट्रांसफर किया, फिर मैंने वीडियो एडिट की, और जैसे मेरी नींद खुली मेरे को तो शिट, मैं तो सपने में नहीं मैंने ना मुक्ति को उठाया और मुझे कहते मुझे सपना आ रहा है कि मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैंने इसको पता क्या बोला, मैंने कहा अपलोड पे भी लगा देगा। अगर अपलोड पे भी लगा देती ना फिर मैंने सो ही जाना था, फिर तो वीडियो ही नहीं अपलोड होनी थी आज। तो उनका ने मेरी बहुत हेल्प कर दी, खाने वाला बना दिया है उनका। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं स्वाद सा खाना बनाऊँ। अच्छा, तो मैं सोच अब वो खाऊंगी एग करी, अच्छी बनती है। राजमा डुबोने रखने पड़ते हैं ना एक दिन पहले। राजमा जो है तो वो घर पे जैसे वो अच्छे बनते हैं, मामा अच्छे बनाते हैं, तू अच्छे बनाती है, अब जो हमारे घर पे कुक आती है वो अच्छे नहीं बनाती, मतलब वो खाना ठीक ठीक बनाती है, मतलब वो चीज नहीं जैसे घर वालों के हाथ में टेस्ट होता है ना, वो चीज नहीं। और आज कुक आने वाली है। हाँ आज कुक आने वाली, तो सारी ड्यूटी मेरी और ओंकार की जाती है। तो ओंकार राजमा को वही चक्कर है ना कि एक दिन पहले भी भिगोने पड़ता है। एक करी स्वाथी बनाऊ लाइक डाइट को पीछे रख के? नहीं नहीं, डाइट को रख के ही रख, डाइट को रख के पक्का, क्योंकि हमने सोचा हुआ है सैटरडे को हम चीट मील करेंगे, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मैं ना तुम्हें नोटिस किया, तुम चुप चुप के कुछ ना कुछ खाते रहते हो चॉकलेट। अरे बहुत कम हार्डली एक पीस दो पीस, मैं ज्यादा नहीं, बट नहीं वैसे तुम्हारी जो क्वांटिटी में कम ही खा रहे हो तुम, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। अभी मैं धीरे धीरे ओंकार का एपेटाइट बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, रसमलाई थोड़ा खाना ज्यादा चाहिए। एक इतना भी नहीं चखा, यू नो आई लव मीठा एंड रसमलाई, मैंने भी नहीं खाया, कभी नहीं खाया मैंने। हाँ एक पता है क्या, मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, पूरा हफ्ता अच्छे से अपना डाइट प्लान फॉलो करो, एकदम हेल्दी खाओ, और एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन हम सोचे कि आज हमने अपने एंजॉय करना है, मतलब उस दिन भी एक्स्ट्रा अच्छा लगता देंगे, बट ऐसे है एक्स्ट्रा आई वो थोड़ा हेल्दी में भी स्वाद वाला नहीं लेंगे क्या बात है। गाने पहली बार अच्छी और टेक्निकल, मुझे लगा कि कह रही है कि लेनी चाहिए। नहीं सही बोल रहे हो। वैसे सच्ची बताओ, तुमने लाइफ में पहली बार ऐसे डाइट प्लान वगैरह फॉलो किया लाइक प्रॉपर? एग्जैक्ट पहले भी किया है, ऐसा डाइट प्लान नहीं, मेरा भूख हड़ताल वाला डाइट होता था। अच्छा वो वाला डाइट प्लान नहीं, ओंकार का पता कैसा डाइट होता है, मतलब अगर ये समझ लो कि ये सोचे कि मेरे को पतला होना मुझे डाइट करनी है, तो ओंकार का कह रहे थे बिल्कुल खाना बंद कर देता है, लाइक नो ब्रेकफास्ट नो लंच, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। ये होता है कि वापस बाउंस बैक करके और भी वेट गेन हो जाता है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें खाने की आदत हो रही है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है पतला होना तो खाना बिल्कुल छोड़ दो, तो उस आदत से निकलना भी एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, लाइक यू ईटिंग डूइंग वर्कआउट। ये लो ओंकार ब्रेड ऑमलेट, आज उधर जाके खा लो, हम दोनों निकल एक ही दो दो दोनों मेरे नहीं, तो रोटी हमारी बन चुकी है, एग करी हमारी तैयार है, और चावल भी हमारे बन चुके हैं। पापा लंच अभी चल, एक बार डैडी से पूछ रहे थे लंच अभी करेंगे, तो लंच भी कर लिया हुआ है। अब बारी आ चुकी है रेडी होने की, तो फटाफट नहाते हैं धोते हैं और होते हैं तैयार। खाना वाना खा के ओंकार और मैं निकल रहे हैं काम के लिए, और आज ओंकार हम मोस्टली जैसे निकल जाते हैं जल्दी, इनफैक्ट जिम करने के बाद भी हम 1 बजे निकल जाते हैं, आज हमारे को 2-3 बज गए हैं निकलते निकलते। हेल्प नहीं थी, मुश्किल हो जाता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मेरे को लगता है जो
जैसे मैंने सुबह उठते में सारे काम कर सकती थी, नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज एडिटिंग करनी थी। तो चीजों में फर्क पड़ता है काफी। जितनी भी हाउसवाइफ वगैरह है वो हाउसवाइफ होना ही एक फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है सीरियसली। ओंकार रंधावा जी के भी थोड़े से काम धाम है, तो ओंकार तुम जाओ काम करो। कितनी देर में फ्री हो जाओगे तुम? एक घंटा। एक घंटे में? चलो एक घंटे में तुम मुझे यहाँ से पिक कर लेना। रेसिपी आज मैंने आज कैसे लगे मैंने वो बनाया? क्या बनाया? मुझे वैसे मीठी चीजें पसंद है, मुझे ठीक ठीक लगा। एग करी मैंने वहाँ बनाई थी स्टूडियो में, बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी मुझे, तो तुम्हें ये शायद ज्यादा अच्छी लगी। चलो ठीक है बाय। डैडी दरवाजा खोलो फटाफट, कुछ नहीं सिखाया आपको घर वालों ने? सो रहे थे। ओए ओए मेरी जोदी बोदी नोटी, मेरा पूजी पूजी नशा। पहले मम्मी चाय की नशी करती थी, अब खाने की नशी करने लगे हो? हे भगवान, कैसा छोड़ के गई थी मैं अपनी माँ को, नशा करने लग गया। ओ बस कर मेरे कुकड़ी। मॉर्निंग, तू अभी तक रात से उठी नहीं है? अभी तक कॉलेज भी जा रही। कॉलेज पाए? ओ माय गॉड, मैं भी चक रहा हूं आज कॉलेज गई। हर रोज जाती हूं मैं कॉलेज। ओ वाओ, पद्मश्री अवार्ड दी थी बहुत दिन छुट्टी जो दे। आज हमारे फोन मिले थे सोफे? हां मिले। नहीं यार एक्चुअली हाँ मिले, लोगों को बताया है। आंचल और मैं जाके ना वो फाइनल करके आए थे स्टूडियो के लिए सोफे वगैरह, मतलब जहाँ पे मुक्ति गौतम वाली वीडियोस बनेंगी, बट वो आज मिलना था सोफा परंतु हो नहीं पाया। मैंने कॉल किया तो वो कह रहे कि कल तक मिलेगा। जिंदगी में इतने डफर लोग देखे हैं पर आदित्य से ज्यादा डफर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये बंदा दो खट्टी चीजें एक साथ खा रहा है, एक आम की सब्जी और साथ में कड़ी। हम सब ने ऐसे खाया है, मैंने और मामी ने भी। पहले हमने कड़ी का टेस्ट लिया, हमने बांजी का टेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद हमने एनालाइज किया क्या सारा अच्छा, फिर लास्ट बाइट हमने एक पे छोड़ दिया। मतलब कि जो बेस्ट होगा उसके साथ हम लास्ट बाइट खाएंगे। हाँ। यार चावल ही नहीं है, रोटी के साथ थोड़ा ना कोई कड़ी खाता है। खाते हैं लोग। पराठे के साथ अच्छी लगती है। हाँ। पराठे के साथ नहीं, बस चावल चाहिए मेरे को। चावल लेके आ जाओ। चावल है नहीं, हमने खा लिए सारे चावल। मैंने लंच लेट किया तो मुझे सजा मिल गई। टिंडे आदित्य के फेवरेट टिंडे कड़ी थी तो मत खाते, रख देते काम। मेरा मेरा ना वो पीने का मन कर रहा है, गन्ने का जूस। जाओ पी लो। पी ले, तेरे को रोका ही नहीं मैं। गाड़ी है, गाड़ी है, जाओ पी लो। ज्यादा स्मार्ट बनती है अपने आप को, ज्यादा सुपान चलने लग गई है, है? ज्यादा चाची कर दिया। रात को पीटने के लिए नहीं, ये आजकल कॉलेज जाने लगी है ना, है ना, ज्यादा हवा में आ गई है। कैसी संगत है तेरी आजकल दोस्तों की, है? ये सीख रहे कॉलेज में? दीदी के साथ जुबान कैसे लगाते हैं? जुबान जुबान केसरी। एक काम कर, दिन में दो बार मैगी खाया कर, एक बार बिस्किट का पैकेट। अब खाना बस खाना ही खाती हूँ। सब गाना छोड़ दिया, मैं तो पहले डर गई। मतलब ऐसा फालतू का ऐसा जो जंक फूड वगैरह सब छोड़ दिया। अब ऐप्स निकाल ले, जैसे पिछली बार तुमने निकाल लिए थे। है ना, कैसी कोशिश करी थी। कोशिश करी थी परसों को जोड़िया मैं लाया एक दिन। अच्छा वेरी गुड, वो मैं लाया था, वैसे सब छोड़ दिया इसने। अरे कुछ और ही तो दूध लेके आई थी परसों चौथे, एक दिन खाई थी। पर नहीं यार जल्दी यार, देखो अभी तक मैंने ना पता अपने 6000 स्टेप्स भी पूरे कर लिए, आधे दिन भी नहीं हुआ मैंने। दोपहर में तू छत पे चढ़ी थी? नहीं कॉलेज गई थी ना। अच्छा अच्छा, सुनती तो है नहीं तू मेरी। अब सुनूंगी। पिछली बार पहले तो मैं तो ये सोच रही, पिछली बार तो मैं तेरे साथ थी। हाँ। तो हम दोनों मिलके वर्कआउट, मैं तेरे को बोलती थी अंजलि ये कर वो कर, अब तू किसकी सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। अपने मन की सच्ची मन बोलेगा मैगी खानी, तू मैगी खा लेगी? नहीं नहीं खाऊंगी, देखो पैकेट पड़ा है, इतना बड़ा छुआ भी नहीं है। पैकेट कहाँ पड़ा है? तो दूसरा काम है ना वो है जी अपनी गाड़ी का काम। दरअसल अभी जब मैंने इसमें एक्सेसरीज लगवाई है ना, तो मैंने इसकी आंखों पे मतलब हेडलाइट पे काजल लगवाया था। मतलब ये जो इसकी आंखें है ना, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का कुछ लगा था जो कि देखने में अच्छा लगता, परंतु वो अच्छे से चिपका नहीं था। तो अभी इसको निकलवा के फिर से चिपका रहा हूँ मैं, तो देखते हैं
अब चीज ठीक रहेगी या नहीं। तो जी ये है जी अपनी गाड़ियों की अखियों का काजल जो कि रिपेयर होके लग चुका हुआ है। मैं ना दरअसल अभी आया हूँ मॉल, क्योंकि अभी जब शादी पे गए थे ना हम, तब मैंने खरीदी थी एक शर्ट जो कि मैंने एक बारी भी पहनी नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि मैं आगे कभी पहनूंगा अभी, तो उसको ना एक बार ट्राई करते हैं अगर वो रिटर्न होती है या नहीं। तो ये ना रिटर्न करनी थी, रिटर्न जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इजीली हो गया, मुझे लगा कि थोड़ी खिटपिट वगैरह करेंगे, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा फिर रिटर्न होगा, बट काफ़ी स्मूथ था। पर अमाउंट जो है ना ऐसे नहीं है कि मुझे कैश दे दी हुई है, वो काइंड ऑफ मुझे कोई ना कोई और सामान खरीदना पड़ेगा, 6 महीने तक वैलिड होता है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ अगर लेने वाली है तो अभी ले लेते हैं। ये वाला जो सारा सामान है लेने को मैं अकेला ले सकता हूँ, पर दिक्कत ये आएगी कि मुक्ति को पसंद नहीं आएगा। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट, क्योंकि दादाजी ना, जब भी मैं दादाजी को मग में चाय देती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है चाय की, तो मैं सोची उनके लिए ना एक छोटा मग ले लूँ जिसमें वो चाय कंफर्टेबली पी सके, उसमें थोड़ी ज़्यादा कम आएगी है ना क्वांटिटी, इसमें इससे कम आएगी। ये दो कर दो। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद ओंकार की तरफ डायरेक्शन में ओंकार अंधावा जी मेरे पास आ चुके हैं। हेलो, ठीक है। ये वो डैडी के लिए मैंने बोली है छोटे मग, मुझे वो पीना है यार, गन्ने का रस। अलग गन्ने का रस पीने के लिए नहीं मान रहा ना उधर आधी आंचल, तुम ही पिला दो मेरे को। चलो अभी आई तो रास्ते में गन्ने का रस वाला नहीं मिला। हाँ मैंने बोला कि हम दोनों इकट्ठे पिएंगे। अच्छा थैंक यू। 25 वाला बोला था। 25 वाला कौन सा कितनी सारी चीटियां लगी हुई है, बहुत सारी चीटियाँ लगी हुई है। वैसे मैंने ओंकार देखा है कि अगर हम घर बनाए और रहे ना, है ना, तो वो हो जाता है ना, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, मतलब जैसे पौधे पेड़ पौधे हैं वो भी धीरे धीरे वो मरने शुरू हो गए हैं। बस रहने दे, छेड़ना जख्मा नु। ओंकार को बड़ा दुख लगता है, ओंकार पूरा इमोशनल हो जाता है कि घर से वो हो जाता है। मैं लॉन में दे रहा था पानी और बड़े दिनों से ना हमारे टायर जो थे वो कबाड़ में पड़े हुए थे, तो फाइनली कबाड़ी वाले भैया आए हैं, इनको चकाया टायर। सोचा तो हमने था कि अपसाइक्लिंग करेंगे पर किसी काम नहीं आ रहे थे, तो भाई ले जो तुम्हारे हवाले टायर। स्टूडियो में पधार चुके हैं स्लिम शेडी आदित्य गौतम। एमिनम और सब क्या चल रहा है? मम्मी ने वहाँ खाना बनाया हुआ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं मम्मी, और एक बहुत ही बढ़िया चीज की भी सब्सक्राइबर ने भेजी है। क्या? मैं नहीं लाया, बड़ी थी वो। मैं जिम गया ना आज, तो जिम वाले भैया बोलते आपके लिए कोई कुरियर आया है। हाँ, किसी को हमारा एड्रेस नहीं पता लगा तो उन्होंने जिम पे भिजवा दिया। ओहो, तो जाके तेरी फेवरेट मिठाई मैंगो की पेटी। मैंगो की पेटी वो भी महाराष्ट्र से। ओ भाई साहब, ये तो सच्ची में अनमोल गिफ्ट हो गया हुआ है। वो अभी जाके घर जाके वो उठा लेना और खाना फिरा। मुक्ति के चेहरे में खुशी देखो। लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी चीजों से खुशी मिलती है, मुझे तो आम से खुशी मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं होता कि बड़ी चीजों से, जो चीज जिसको प्यारी होती है ना, बेशक वो रुपए की ट्रॉफी ही हो, खुशी मिलती है। और आदित्य गौतम जी आज रहेंगे यहाँ पे स्टूडियो में, रुक रहा हूँ मैं क्योंकि स्टूडियो में OMG रिएक्ट की वीडियो प्लान करनी है, वो जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई विल बी मेकिंग अ ग्रेट वीडियो। बस मेक श्योर की कुंडी मुंडी लगा लेना। हाँ है ना, बस उस चीज का ध्यान रखना। छड़ा छड़ा के इसको कौन लेके जाएगा। चल बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ा डालना बहुत ज्यादा तो नहीं है।
नहीं, बहुत है। अभी आंचल ने याद कराया है कि जो हमारा गिफ्ट आया है उसे जरूर लेके जाना, जो कि महाराष्ट्र से आई है आम की पेटी। कैसे हो? बल्ले बल्ले। सुनने में आया आम की पेटी आई है, वो भी महाराष्ट्र से। ओए ओए ओए, कुकड़ी को पता है मुझसे को आम बहुत पसंद है। और कितने सुंदर आम है देखो, बड़े ब्यूटीफुल। ये तो कुछ आप इधर भी रख लो, निकाल लो कुछ हल्के से इधर। पर ये मुक्ति के लिए है। अरे कोई बात नहीं, स्पेशली टू मिस मुक्ति गौतम आदित्य कार्बिया सेक्रेटरी है, अगर उन्हें मिले ना मिले कोई बात नहीं, मुक्ति गौतम को मिलनी चाहिए। उनको मिले ना मिले, हाँ। तो मुक्ति गौतम को मिलनी चाहिए। चलो फिर आज का मेरा डिनर कैंसिल, मैं आम ही खाऊंगी। ये देखो इन्होंने भिजवाया है, थैंक यू मेघा मेघा मुग्धा मुग्धा निमकर मुग्धा निमकर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच्ची में मजा आ गया, खुश होगी। हां जी हां जी, ये भी खुश होगी, ये तो बहुत ही खुश। ओए आदू भी चल ले, अरे चलो तीनों हो जाओ इकट्ठे होते, पागल कर देंगे फिर तो ये, मैं तीनों मिलके, तीनों कुत्ते मिलके कर देंगे हमें पागल। देख कितना प्यारा है, छाल लगी है मार, कूबी दोगे तभी छांग मारेगा ये। क्या इनकम्प्लीट छलांग थी टेडी, बेइज्जती कर दी इस कुत्ते ने। ओ तेरी ओ तेरी की ओ तेरी की, हे भगवान। इसको कूबी कहां पे, मुक्ति पूरा रियल जा रहा है कहां पे, पूरा बताता है कि मेरी कहां पड़ी है इस कूबी। जंप 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 करो, जंप करो, जंप। ओह कितनी देर तक दो लातों पे खड़ा रहा, इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रही है। तो पहुंच गए हम घर, और हाँ पापा, हमारे सब्सक्राइबर ने एक चीज भेजी है, आम, स्पेशल महाराष्ट्र से आम आया है। पूरी पेटी भेजी है। तो भाई साहब मैंगो डे हो चुका हुआ है हमारा, एक ये बहुत ही स्वाद से आम, उसके अलावा एक मम्मा ने ये बनाया बहुत ही स्वाद से आम। इतने स्वाद आम खाने के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि हम स्पेशल फोन करके उन्हें थैंक्स बोलने वाले हैं। उनका मैं तो सोच रहा हूँ अपने अंदर का चौंटी जगा दो, चौंटी चौंटी वाले कैरेक्टर में आ जाओ। हेलो, देखते कॉल करिए। हेलो मैम, आप मेघा जी बोल रहे हैं जी? मैम आपने मैंगोज कोरियन करवाए थे हमारे थ्रू, मैं वो उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। मैम आपने मैंगोज कोरियर करवाए थे ना? हाँ जी हाँ जी मैम। मैम वो मैंगोज एक्चुअली ना रास्ते में हमारे वर्कर्स खा गए। हाँ जी मैम, मैम वो एक्चुअली उनको ना उसकी खुशबू अच्छी आ रही थी, फिर एक बंदे ने खाए वो स्वाद, इतने ने सारे खा गए। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच, आपके मैंगोस बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, सच्ची में बहुत स्वाद थे। ये मुफ्ती की तरह से भी थैंक यू ले लो, उसको ज्यादा पसंद आएगा। हेलो या, थैंक यू सो मच, सच इज बहुत लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट। हाँ थैंक यू, अरे हमें थैंक यू बोलना चाहिए आपको, आपने स्पेशल भिजवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बारी आ चुकी है सोने की, अंदर चुका दो आपको लगे कल अगले भाग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सबा खैर, बाय, गुड नाइट। दिया मैं तेरी दुआ कोई होर मंगदा, मंगदी मंगदा दी था दी था।